आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हुआ। भारतीय टीम के लिए ये मैच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन भारतीय टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में केवल 110 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 14.3 ओवर में हासिल कर लिया। इस हार के बाद भारतीय टीम के लिए मुश्किलें और भी बढ़ चुकी हैं। अब यहां से भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है। इस हार के बाद कप्तान विराट कोहली से जब पूछा गया क्या भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है, तो कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा बयान दिया है। विराट कोहली ने कहा कि भले ही भारतीय टीम शुरुआती दोनों ही मुकाबले हार चुकी है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर ग्रुप की अन्य तीन टीमें न्यूजीलैंड को हरा दें, तो ऐसे में भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के दरवाजे खुल जाएंगे। हालांकि ग्रुप में अन्य तीन टीमें काफी ज्यादा कमजोर मानी जा रही हैं, ऐसे में उलटफेर होना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तीन टीमों में से कोई भी एक टीम बड़ा उलटफेर करती है और न्यूजीलैंड को हरा देती है, तो भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हो जाएंगी। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी न्यूजीलैंड आने वाले अपने मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करती है। आपकी राय में क्या भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।